अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम करेंगे मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। जो रेंज है वो मीन ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए सेम है। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो यही सोची थी, भी किसी ने पूछा नहीं है। मैं भी बताती हूँ आपको। मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ग्रुप डेटा। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, first method is range, second method is mean deviation. Today we will study both of them for group data. Okay, actually in group data class limits are given along with the frequency. For example, it's 10 to 9 19, 20 to 29, 30 to 39, and so on, up to 90 to 99. And this would be your minimum class limit, and 99 is maximum class limit. So we will find range by taking the difference of these two values. 99 minus 10, which is equal to 81. Or we can find the range by using first class mark and last class mark. First class mark is obtained by taking the sum of these two values and divided by 2. So it would be 10 plus 19, 29 divided by 2, it would be 14.5. And this would be 95.5. So range is also equal to 95.5 minus 14.5. Okay, so result is, find the result. It's 1 and 9 minus 1, 81. So result is different in both cases. This range is 89 and this range is 81. Both methods are used to obtain the range of this type of data, which is called the group data. Okay. The best one is the upper one, because there may be a chance that any single value may exist in the data with the 99. यानी कोई डेटा में 99 exist कर सकता है और उसकी वजह से हमने उसकी frequency find की होगी, तो इसका मतलब है कि 99 को involve होना चाहिए। हो सकता है कोई value 10 हो, 11 हो, तो हम उन 10 को use करना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको use किया। और sometimes अगर आपको ये data ही available नहीं होता, आपको क्या सिर्फ अवेलेबल होता है ये ऐसे x और f, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो फिर उस केस में आपको यही वाली वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो आपको इसी से ही रेंज फाइंड करनी है। और जैसे हमने देखा था कि रेंज इज अ क्रूड मेजर, तो इसलिए इतना यूजफुल है भी नहीं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जो बेस्ट मेथड है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी यूजफुल है, बट रेंज जो है बड़ा जो है ग्राफ मेजर है, जो आपको एक आइडिया जस्ट देता है। ठीक है, सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ग्रुप डेटा मीन डेविएशन is equal to sum of mean से क्या मुराद होती है, sum करें और n पे divide करते हैं। ठीक है, deviation लेनी है, absolute deviation लेनी है, x minus x bar की लेनी है, और चूंकि group है तो इसलिए यहाँ पर f आ जाएगा। और हम n को कह सकते हैं where n is equal to summation f, ना भी लिखें तो भी understood है, n जो है वो समेशन एफ के ही इक्वल होता है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो बस आपने सिर्फ क्या लिखना है एफ।
अब आप देखें आपके कॉलम्स जो गिवन होते हैं वो एक्स और एफ गिवन होते हैं, और इस कॉलम जो टेबल है उसका टाइटल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। आपको जो कॉलम बनाने हैं वो सबसे पहले तो आपने एक्स बार का बनाना है। एक्स बार के लिए कौन सा कॉलम चाहिए आपको, एफ एक्स का कॉलम चाहिए, तो आप एफ एक्स बना लेंगे और इन दो कॉलम्स का टोटल करके मीन कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपके पास मीन आ गया, अब आपने करना है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, वहीं पे एब्सोल्यूट भी ले लें, यानी उसको प्लस बना बना के लिख देते हैं। फिर करना है आपने एफ से इस कॉलम को मल्टीप्लाई, एक्स माइनस एक्स बार को एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये दो कॉलम्स और बनेंगे जिसमें से इस कॉलम की तो कोई जरूरत नहीं है, इस कॉलम का सम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इन सम, इस सम को एक यूज करना है और एक हमने एफ के सम को यूज करना है, तो इससे आपका ये मीन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग दीज वैल्यूज, यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। सो क्वेश्चन, एक्स इज 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, ठीक है जी, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ठीक है जी। टाइटल आपने लिख लेना खुद से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने बोर्ड को जरा मैक्सिमम यूज करना था इसलिए मैंने पूरा का पूरा बोर्ड टॉप से शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका टाइटल अच्छा, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या है वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 1, 4, 8, 11, 1, 4, 8, 11, 15, 9, 2। चलिए जल्दी से सम कर लें इसका, ठीक है। तो इसका सम कितना आ जाएगा वो देखते हैं, और मीन के लिए हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन को ऐसे वर्ड में लिखना होता है, 30 आ रहा है, चलिए 30 लिख दिया। अब आप 50 आ रहा है, ओके 50 लिख दिया जी, चलिए फाइन। मैं दोबारा लिखती हूँ, ओहो बड़ी हो जा रही है, ओके। अब आपने मीन के लिए कौन सा कॉलम बनाना है, एफ एक्स का। चलिए जी एफ एक्स का कॉलम बना लें, आप खुद से बना लें अपने उस कॉपीज पे, और मुझे मीन का रिजल्ट बता दें कि मीन क्या आता है। खुद से कर लें, जल्दी से कर लें, फिर हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। मैंने इसका मीन देख लिया, इसका मीन है 39, मीन इज x bar is summation fx over summation f which is equal to 39, ठीक है जी। अब आपने जो इसमें कॉलम बनाने हैं वो कॉलम्स क्या बनाने हैं, x मतलब ये fx फाइंड की है। अच्छा fx का सम क्या आ रहा है, एक्सक्यूज मी टीचर जी बेटा, ये 39 कैसे आया है, समीशन एफ एक्स का रिजल्ट क्या आया। चलें आप कह रहे हैं कि ये आ रहा है 1950, 1950, चलें 1950 को डिवाइड कर दें अगर उस पे क्या कहते हैं 50 पे, तो क्या रिजल्ट आया, क्या आंसर बताया जी, 39 आ रहा है। Each observation of x and 39 is subtracted from each value. तो अब find कर लें 22 minus 39 कितना आया result? 17 minus 17 आया, ठीक है? Minus 17 का जब हमने modulus ले लिया, चलिए modulus भी ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें modulus भी ले लें, तो ये plus 17 बन गया, ठीक है? फिर next क्या आया? 27 minus 39, तो minus 12 आया, minus 12 का modulus लिया तो plus 12 हो गया, ठीक है। फिर क्या आया 7, फिर 2, फिर 3, फिर 8, फिर 39। अब आपने इसका सम नहीं करना, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। अब आपने क्या करना है,
f से मल्टीप्लाई कर देना है इस कॉलम को, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस, ठीक है। यानी कि आपने कौन से दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक तो इस कॉलम को और दूसरा f को, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 17 ही आ गया, ठीक है। फिर क्या आया, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 48 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 56 आ गया, देन 22, देन 45, 72 एंड 26, ठीक है जी। आपने इन सबको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद अब आपने करना है इसका टोटल फाइंड, ठीक है जी। आप टोटल फाइंड कर लें इसका, तो मुझे बताएं कि टोटल क्या आया। तो 286 आ गया, ठीक है जी, 286। तो अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है जी। अब आपने इसको 286 को डिवाइड कर देना है किस पे, 50 पे, जो आपका समीशन एफ है, ठीक है जी। तो आप जल्दी जी गर्ल्स, मीन डेविएशन 286 उसका टोटल आया, और 286 को जब आप 50 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ गया, जो भी इसका फाइनल रिजल्ट था, 5.72, ठीक है जी। तो मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा इज ऑब्टेन बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग द मॉडुलस वैल्यू विद एफ, एक ही वैसे आपने चेंज करना है कि एफ से उसको मॉडुलस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर उसको फाइंड करना है, ठीक है जी। चलिए जी हम आगे करते हैं, ये तो कल का ही टॉपिक हमने रिमेनिंग पार्ट किया है। टुडेज टॉपिक इज क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इन्वॉल्व्स टू क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल वन एंड क्वार्टाइल टू थ्री। क्वार्टाइल वन इज ऑब्टेन बाय एल प्लस एच ओवर एफ, n by 2, n by 4 minus c. This is l plus h over f, 3, n by 4 minus c. जब क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 आ जाएंगे, 1 एंड 3, इन दोनों के बाद आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। क्वार्टाइल 3 को बड़ा है, क्वार्टाइल 1 छोटा है, उनको डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये आपका आ जाएगा एक्चुअली क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है जी। तो क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली उन पे बेस कर रही है जो हम पिछले चैप्टर में क्वार्टाइल्स पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, ठीक है जी, लोअर क्वार्टाइल। तो उसको क्या कहेंगे, थर्ड को, अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अपर क्वार्टाइल कहेंगे, दिस इज क्यू थ्री। तो आपने अपर और लोअर का जो है वो डिफरेंस लेना है। अब हम देखेंगे कि अगर ये ग्रुप डेटा है तो फिर तो ये दो फॉर्मूलाज यूज हो गए, अगर ये अनग्रुप डेटा है तो फिर ग्रुप डेटा है, और अगर ये अनग्रुप डेटा है तो फिर आपने पहले डेटा को अरेंज करना है, ठीक है, और फिर आपने उसके बाद n by 4th वैल्यू को और 3n by 4th वैल्यू जो है उनको आपने क्वार्टाइल्स ले लेना है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं फॉर ग्रुप डेटा, ठीक। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर लूँ, फिर हम उस क्वेश्चन को यूज करते हैं और इसको क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये मार्क्स हैं ये जी 40 to 50, क्लास लिमिट्स हैं
40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and 80 to 90. ठीक है, ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं। उसके बाद हमने इसमें जरूर क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। क्लास बाउंड्रीज की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है, तो यही क्लास लिमिट्स हैं और यही क्लास बाउंड्रीज भी है, इसलिए क्लास बाउंड्रीज अलग से कोई नहीं बनानी। और अगर ये डिफरेंट होती दोनों वैल्यूज, 50-50 ना होते, कुछ और होता या 49 और 50 होता, तो फिर हमें क्लास बाउंड्रीज भी बनानी थी। जी, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 30, 50, 60, 40 and 20। ठीक है जी, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जब हम इसमें बनाएंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे, 30 एज इट इज, पहली तो वैल्यू एज इट इज आती है, फिर इसमें अगली वाली ऐड करके लिखेंगे तो आ जाएगा 80, 80 में 60 ऐड करके लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 140, 140 में 40 ऐड करके लिखा तो आ गया 180, और इसमें 20 ऐड करके लिखा तो रिजल्ट आ गया 200। ठीक है जी, अब आपने करना है Q1 क्लास फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होती है, n by 4, तो n कितना है 200 ही आया ना, जो आपका ये रिजल्ट होता है वही एक्चुअली आपका इसका टोटल भी होता है। अच्छा, 200 by 4 तो क्या रिजल्ट आया, ये 50 आ गया। अब 50 आपने इस पूरे क्यूमुलेटिव में सर्च करना है कि 50 किस जगह पर लाई करता है, किस पोजीशन पे, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आपको पोजीशन बताती है, सब पोजीशंस हैं आपके पास। ठीक है, फर्स्ट 30 वैल्यूज जो हैं वो किसकी होंगी, इसका जो x है, यानी 40 से 50 के दरमियान जो डिफरेंट वैल्यूज हैं x की वो 30 हैं। ये काउंट बता रहा है आपको, ठीक है, क्या बता रहा है ये आपको, काउंट इतनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट 30 वैल्यूज अगर हम ये इनको अरेंज करके इस तरह लिखते जाएं तो ये सारी 30 वैल्यूज जो हैं ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 वैल्यूज किसकी होंगी, उस सारे की जो रेंज है वो होगी 40 to 50, यानी इन वैल्यूज यहाँ पे 40 से 50 के दरमियान की सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो 30th पोजीशन, ये जो पोजीशन होगी ये कौन सी होगी, 30th पोजीशन होगी। हम जानना चाह रहे हैं कि हमारी 50th 50 टू 60 भी तो हो सकता है। हाँ जी, लेकिन 50 टू 60 पहली 30 वैल्यूज में नहीं होगा, ये 30th पोजीशन है। 31st वैल्यू से लेकर कितनी वैल्यूज हैं 50 टू 60, ये देखें 50 टू 60 50 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है 31st से लेकर 80th पोजीशन तक कितनी वैल्यूज बनती हैं, ये 50 वैल्यूज ही बनती है ना काउंट में। ठीक है, तो ये देखिए 80th पोजीशन तक, 31st पोजीशन से लेकर ये सारे डैशेस जैसे अगर मैं डाल दूं तो अब आपने कौन सी वैल्यूज यहाँ पर देखनी है, आपको नजर आएंगी वो 50 से 60 रेंज की होंगी। ठीक है, यानी 50 से ऊपर, ठीक, 50 से 60 रेंज तक। ठीक है, अब ये 80th पोजीशन पे पहुंच गया तो 60 तक ही ऑब्जर्वेशन आएगी, तो अब क्या आएगी, 81st वैल्यू आ जाएगी। 81st वैल्यू किस पोजीशन पे होगी, उसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, अगली 60 वैल्यूज हैं, और 81th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 60 टू 70 के बिटवीन होगी। ठीक है, तो आपको बताना मैं ये चाह रही हूँ कि CF जो है वो आपको एक्चुअली जो है फ्रीक्वेंसी में तो काउंट पता चलता है, CF जो है वो आपको इसकी पोजीशन बता रहा है कि पहली 30 पोजीशन जो है वो 40 टू 50 वैल्यूज की होगी, तो ये आपको पोजीशन बता रहा होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स यू अबाउट द पोजीशन, ठीक है, ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, x की है ये वाली, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये आपके ऑब्जर्वेशन है, ये उनके काउंट्स हैं। ठीक है, ये आपके काउंट्स हैं, और पोजीशंस क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पोजीशंस है। ठीक है, अच्छा चले, अब मैं आपको जो बात बता रही थी वो ये कि आपने 50 आ गया, ठीक है, ये जो 50 है ये क्या बताता है आपको कि आपकी पोजीशन 50th पे क्वार्टाइल वन पड़ा हुआ है। तो 50th पोजीशन की क्लास जो है अगर हम देखना चाहें तो कौन सी क्लास बनेगी इसकी, इस 80 में आता होगा, ऐसी है ना कि नहीं, क्योंकि 50th पोजीशन 30 तक तो आपकी ऊपर रहेगी ना, तो उसमें से तो नहीं आएगा। हमने 50th पोजीशन की अगर बात करनी है तो वो
आपकी सेकेंड वाली रेंज इसी में ही आएगी, ठीक है। इसे कहेंगे दिस इज क्यू वन क्लास, ठीक है, क्यू वन क्लास हो गई। तो फिर अब क्यू वन क्लास के बाद हमने कौन सी क्लास निकालनी है, क्यू थ्री क्लास। तो कैसे निकलेगी, थ्री एन बाय फोर, यानी कि थ्री को 50 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 50 जो इसका आंसर आया होगा। तो क्या रिजल्ट आ गया, 150th पोजीशन होगी इसकी, ठीक है, 150th। तो 150th इसमें तो नहीं आता क्योंकि 140 तो छोटी पोजीशन है, 70 से 80 में आएगा, बिल्कुल 70 से 80 में आएगा। दिस इज योर क्यू थ्री क्लास, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है, पहले हमने क्यू वन फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला है, एल प्लस एच ओवर एफ एन बाय फोर माइनस सी। अच्छा, क्यू वन क्लास में सी क्या होगा, ये सी होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, 50 लोअर क्लास बाउंड्री होगी। इंटरवल क्या होगा, 50 से 60 के दरमियान एज होगा। तो लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 50। एज क्या होगा, 50, 60 माइनस 50 यानी 10 का इंटरवल है आपके पास। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, वो भी 50 है। एन बाय फोर का रिजल्ट निकाला बाय चांस, वो भी 50 है। और सी का रिजल्ट देखा तो वो 30 है, ठीक है। नहीं, इस पूरे को आप सॉल्व कर लें तो ये आपका क्यू वन आ जाएगा। अब हम करते हैं क्यू थ्री। क्यू थ्री का फॉर्मूला है एल प्लस एच, वही वाली चीज है, एच ओवर एफ थ्री एन बाय फोर माइनस सी। अच्छा जी, अब आप देखें कि आपकी क्यू थ्री क्लास में सी क्या होगा, 140। मैं इसको डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, चलिए 140 आपका सी होगा, ठीक है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 40। लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, 70। और 70 से 80 का डिफरेंस जो है वो आपका एज होगा। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 70 इज लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, 10 ही इंटरवल आ गया फिर भी, ठीक है, 10। फ्रीक्वेंसी कितनी आई इसकी, 40। 3n बाय 4 का रिजल्ट हमने निकाला था तो वो कितना आया था, 150। और c का रिजल्ट कितना है, 140, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और मुझे Q1 और Q3 के आंसर्स बताने हैं कि Q3 का क्या आंसर आया और Q1 का क्या आंसर आया, ठीक है जी। जल्दी से मुझे Q1 और Q3 के आंसर्स बता दें, 3.4 और Q3 का जो है आंसर वो आ गया 72.5। वेरी गुड, 72.5। अब हमने क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन करनी है, ठीक है जी। मैं पूरा बोर्ड अरेज करती हूँ फिर हम करते हैं उसको। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस Q1 एंड डिवाइडिंग बाय 2। Q3 वाज 72.5, Q1 वाज 50.4 डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लें तो ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। जी बेटे, अच्छा 11.05, ठीक है। चलिए कल आपको क्लियर हो गया। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, एक और बात कि हम ये देखते हैं कि इसका एक और नाम भी है, वो है सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ, वेरी गुड। इंटर का मतलब क्या होता है, वो जो आप कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, वो वाली चीज तो नहीं है ना इंटर। इंटर का मतलब है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन। और इसका मतलब होता है हाफ, ठीक है। अब इंटर क्वार्टाइल का मतलब क्या है, दो, अगर आप पूरी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमने कहा कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस इज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ठीक है, फोर क्वार्टाइल्स है। इंटर क्वार्टाइल का मतलब है मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दो, इंटर क्वार्टाइल, इसके बिटवीन, यानी यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको इंटर क्वार्टाइल कहते हैं। और सेमी का मतलब क्या है, उसको हाफ कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला यही था ना हमारे पास, इंटर क्वार्टाइल यानी कि दोनों क्वार्टाइल्स का डिफरेंस, जो हमने लिखा क्वार्टाइल डेविएशन, और यानी इसका दूसरा नाम क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन।
ठीक है, ये हमने क्या निकाला, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्यू वन माइनस क्यू थ्री इंटर क्वार्टाइल रेंज, और जब टू से डिवाइड कर दिया तो फिर सेमी हो गया इसका। तो ये भी कह सकते हैं, बाजू का पेपर में आपको इस तरह आए तो आप उसमें परेशान नहीं होना कि ये आपको क्या कह दिया उन्होंने, ठीक है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो भी क्वार्टाइल डेविएशन ही होती है, ठीक।